दोस्तों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों यदि आप एक छोटे यूट्यूबर्स हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है और आपके लिए बहुत भी जरूरी भी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा कल मेरा फ्रेंड था जो मुझे बहुत बता रहा था कि संतोष भाई इस स्टेप के बारे में आप बात कीजिए, आप एक यूट्यूब पर वीडियो दीजिए। चूंकि मैंने वीडियो खोजा है लेकिन नहीं मिला है, काफी नॉलेजेबल मुझे वीडियो नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आज जो आपको बताऊं कि तीन स्टेप के बारे में मैं क्या बात करने वाला हूं, वो तीन स्टेप है दोस्तों कि जब हमारे वीडियो के ऊपर, जब हम नए यूट्यूबर होते हैं दोस्तों, तो हमारे जो चैनल पर दोस्तों क्या है कि पहला जो है कॉपीराइट क्लेम आता है, ठीक है ना, इसको हम बारीकी बारीकी से समझेगा। दूसरा है दोस्तों कि कॉपीराइट स्ट्राइक। उसके बाद थर्ड स्टेप है दोस्तों कम्युनिटी गाइडेंस। ये तीनों क्या है और तीनों को हमको कैसे फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो को हमारा दोस्तों स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये तीनों स्टेप के बारे में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक करके ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला स्टेप है दोस्तों कि आपको मैंने बोला कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम क्या है दोस्तों कि जब हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो हम तो छोटे यूट्यूबर होते हैं, जब अपना चैनल क्रिएट करते हैं तो उस समय हमको जानकारी नहीं होती है दोस्तों कि कॉपीराइट क्लेम क्या है, लेकिन मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं दोस्तों कि कॉपीराइट क्लेम क्या है। कॉपीराइट क्लेम क्या है दोस्तों कि हम जहां कहीं से भी, मतलब कि क्या होते हैं कि जब हमको जानकारी नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी का वीडियो का जो है म्यूजिक यूज कर लेते हैं, कोई पार्ट्स यूज कर लेते हैं, चाहे कोई भी, मतलब नाना प्रकार जगह से क्या है, तो होता है दोस्तों कि हम फोटो इमेज ले लेते हैं, तो क्या होता है कि YouTube हमको क्या उस समय देता है कॉपीराइट क्लेम। तो कॉपीराइट क्लेम से नहीं घबराना है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपके वीडियो पर सारे एड्स आएंगे, आप अर्निंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि जब कॉपीराइट क्लेम आएगा तो जो एड्स आएंगे तो जितना भी, मतलब कि एड्स का पैसा बनेगा सारा जिसका म्यूजिक लिए रहेंगे, जिसका इमेज लिए रहेंगे, जिसका पार्ट्स वीडियो लिए रहेंगे, उसको चला जाएगा, आपका सारा अर्निंग चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा पहला स्टेप आपको कॉपीराइट क्लेम का। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों कि दूसरा स्टेप मैं आपको बता दूं कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी बंदे से कोई भी म्यूजिक ले लेते हैं, किसी का पार्ट्स वीडियो ले लेते हैं या फोटो ले, कोई भी चीज ले लेते हैं अपने वीडियो में यूज करने के लिए, चूंकि दोस्तों हमको तो कहीं से भी तो कुछ लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। हम जब वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पर, अपने क्रिएटर आए हुए भाई यूट्यूब पर हम आए हैं, तो कहीं किसी बंदे का हम म्यूजिक ले लेते हैं, वीडियो क्लिक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब हम ले लेते तो बंदा क्या करता है दोस्तों, जिसका हमने म्यूजिक यूज किया है या हम उसका वीडियो यूज किए हैं या कुछ भी यूज किए हैं दोस्तों, तो क्या बंदा करता है कि हमारे चैनल पर क्या करता है कि कॉपीराइट जो है स्ट्राइक दे देता है। और जब कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा दोस्तों तो हमारा चैनल क्या है कि दोस्तों यूट्यूब उसको फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने का मतलब होता है कि 90 दिन तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी 90 दिन तक हमारा चैनल जो है दोस्तों बोलते हैं कि फ्रीज कर देगा यूट्यूब, हम 90 दिन तक और वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको यदि आप लोग बोलिएगा कि इसके बारे में भी वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा कि आखिर कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाना है, ठीक है ना। तो उसको हम बारीकी से दूसरे दिन समझेंगे, पहले मैंने बताया इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कॉपीराइट स्ट्राइक यही है कि जो बंदा देता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम यूट्यूब से ट्वीट करते हैं या यूट्यूब को हम मैसेज करते हैं तो यूट्यूब हमको कुछ भी, मतलब कि गाइडलाइंस नहीं देता है। अब क्या बोलता है कि वो यूट्यूब क्या बोलता है कि जिसका आप कॉपीराइट जो हमको स्ट्राइक दिया है आप उससे संपर्क कीजिए, वो यदि बंदा बोलता है तो आपके चैनल पर से कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि भाई क्या करें, जिसका हम म्यूजिक लिए हैं पार्ट्स जो, या उसका जो हम मतलब कोई भी क्लिक लिए हैं दोस्तों, तो उससे हम संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद वो हमको बंदा से हम हाथ जोड़ी करेंगे, भाई भाई हमारे चैनल से भाई अपना कॉपीराइट स्ट्राइक हटाइए, तो उसके बाद हटा देता है। नहीं हटाने के बाद दोस्तों हमारा 90 दिन तक क्या होता है कि यूट्यूब हमारे चैनल को फ्रीज कर देता है, ठीक है ना। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। तीसरा स्टेप है दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन। बहुत ही खतरनाक है दोस्तों ये खतरनाक है दोस्तों कि यदि हम कम्युनिटी गाइडलाइंस को यदि हम नहीं फॉलो करते हैं, उसके रूल को हम नहीं फॉलो करते हैं, तो क्या हम एक ये पहला यदि उसका रूल क्लेम कुछ भी करता है तो मैं हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारे चैनल पर आ जाता है। आप लोग यदि जाएंगे अपना जो क्रोम ब्राउजर में खोलेंगे, जहाँ डॉलर का चिन्ह मोनेटाइज का चैनल दिया रहता है, वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर दिया रहता है कि मैंने आपको शो करेगा कि जीरो
कमिटी गाइडलाइंस वहां पर दिया। यदि आपके चैनल पर एक भी कमिटी गाइडलाइंस आ जाता तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके बारे में भी आप लोग बहुत यदि हमको करिएगा, मतलब कि चैट कीजिएगा, कुछ भी बोलिएगा, मैसेज करिएगा, तो हम आपको मैंने बता देंगे कि मैंने कमिटी गाइडेंस के बारे में विस्तृत से आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए कि एक बार आप कमिटी गाइडेंस को नहीं समझते हैं, दूसरा गलती करते, चूंकि भाई हम तो छोटे यूट्यूबर से भर भर की गलतियां करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यूट्यूब पर जो दूसरा कमिटी गाइडलाइंस आता है दोस्तों, तो क्या करता है कि जब हमारा चैनल है वो हमेशा के लिए ही डिलीट कर देगा, वो हमेशा के लिए ही डिलीट कर देगा, आप सोच लीजिए, ठीक है ना। तो यही हमको समझाना था आपको बारीकी से कि आखिर कॉपीराइट क्लेम क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है और कमिटी गाइडलाइंस क्या है। तो आप लोग इसके बारे में बारीकी से समझ ही चुके होंगे कि आखिर ये तीनों क्या है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, चूंकि आप लोग समझिएगा कि नहीं ये बंदा नॉलेजेबल वीडियो दे रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो भैया जो भी आपको करना हुआ लाइक डिसलाइक आप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भाग जोड़ी है आप लोगों से भैया, हम नए यूट्यूबर हैं, ठीक है ना। और कहने का मतलब है कि ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, बेल घंटा को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप वीडियो देखते रहें, नोटिफिकेशन पहले आपको मिलता रहे, टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहे। और एक बात और है दोस्तों कि यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट क्वेश्चन है, कोई सुझाव है या किसी चीज़ के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स एनी टाइम खाली रहता है, आप वहां पे कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द अवश्य रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।